आठ साल का वो बच्चा धर्मशाले की सीढ़ियों पर अपनी मां की आंचल को खींच रहा था, मैं पीछे खड़ा था। कहने लगा, मां कितनी सुंदर गाड़ी है, कितनी अच्छी गाड़ी है, बिठा दे गाड़ी पे। मां कहती, बेटे चल ना, कहां से लाएं गाड़ी। फिर थोड़ी देर बाद कहता था कि हम गाड़ी पे कब बैठेंगे, देखना मां ये भी गाड़ी कितनी अच्छी है, हम पैदल आते हैं इतनी दूर से, ट्रेन पे धक्के खाते खाते हम गाड़ी पे कब बैठेंगे। गरीब मां बिचारी क्या समझाती। मैं सबसे इस बात को बताना चाहता हूं, ये मत सोचना कि बाबा के दरबार में हर कोई इंसान का पेट भरा होता है। ऐसे प्रेमी भी आते हैं जिनको संस्कार माँ बाप ने दिए कि चल बाबा के दरबार तेरी झोलियां भरेंगी, वो भी बैठते हैं। वो बच्चे को संस्कार है माँ के। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गया बच्चा माँ के साथ, माँ ने समझाया कि सारी गाड़ियां बेकार हैं, सबसे सुंदर सवारी बाबा के लीले घोड़े की सवारी है। और मेरा बाबा मेरे लाल को, मेरा बाबा मेरे लाल को एक दिन लीले घोड़े पे घुमाएगा। ऐसे ही माएं समझाती थी ने अपना बचपन याद करो। चंदा मामा दूर के पुए पकाए, आप खाएं, मुन्ने को दें, प्याली गई, मुन्ना गया। अच्छी माँ क्या करती थी, थोड़ी सी खीर बना करके दोपहर में रख देती थी बच्चे के सरहाने। बच्चा उठता तो माँ कहती थी, बच्चा पूछता माँ कौन लाया, बोले चंदा मामा दे गए। उस छोटी सी बात का कितना असर कि जब तक बच्चा बड़ा होता तो सारी उम्र चंदा को मामा ही कहता रहता कि चंदा मामा है। ये संस्कारों का असर है। आप अपने आंगन में तुलसी के पौधे पर जब जल डालते हो ना, तो वो तुलसी का पौधा आपके बच्चों के लिए तुलसी माता बन जाता है, माता तुलसी हो जाता है। ये आपके संस्कार है, ये आपके संस्कार है। आप अपने घर के आंगन में शिव जी के उस पत्थर पर जब जल चढ़ाते हो तो आपके बच्चों के लिए वो पत्थर महादेव हो जाता है। ये आपके संस्कार हैं जो आपको अपने माता पिता से मिले हैं। बच्चों को भी वही संस्कार दे के जाना। हम सब जीते किसके लिए हैं, बच्चों के भविष्य के लिए। और बच्चों का भविष्य अगर ठाकुर के हाथों में दे दिया तो समझ लेना आपके जीवन का मकसद सफल हो जाएगा, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। उस बच्चे ने मां से कहा, मां इन गाड़ियों पर नहीं घुमाओगी। मां ने कहा, तुझे बाबा लीले घोड़े पे घुमाएगा, छोड़ ये सब बातें। छोटी सी बात समझा दी। अब बच्चे के भाव देख लो, आठ साल का बच्चा कहने लगा, क्या क्या कहने लगा सुनना, अगर बात अच्छी लगे तो मस्ती में गाना। ये बच्चे की बात है, इन बच्चों के लिए गा रहा हूं छोटे छोटे। किन्ना मैं मांगू खेल खिलौना। बच्चा मंदिर पहुंचा, कहने लगा, बाबा सुन मेरी बात भी सुन ले आज। ना मैं मांगू खेल खिलौना, ना मैं लाल फरारी, एक बार करवा दे बाबा लीले की सवारी। ना मैं मांगू, मेरी मां ने मुझसे कह दिया आज कुछ नहीं मांगूंगा। ना मैं मांगू खेल खिलौना, ना मैं लाल फरारी, एक बार करवा दे बाबा लीले की सवारी। तेरे संग झूम लूं मैं ये दुनिया घूम लूं। आओ आप भी बच्चे बन जाइए थोड़ी देर के लिए, और अपने बच्चों के लिए ये भजन गाइए, अपने अपने बच्चों के लिए गाइए। आप बड़े प्रेम से झूम के गाना इस भजन को, बड़े मिस से। ना मैं मांगू खेल खिलौना, ना मैं लाल फरारी, ना मैं मांगू खेल खिलौना, ना मैं लाल फरारी, एक बार करवा दे बाबा लीले की सवारी। तेरे संग झूम लूं मैं ये दुनिया घूम लूं, दुनिया घूम लूं मैं। थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाइए, हाथ ऊपर करके अपने अपने बच्चों के लिए मस्ती मस्ती में। एक दो तीन चार, तालियां बजाना। बच्चे ने कहा, मेरी मां कहती है कि तुम्हारा लीला घोड़ा बड़ी तेज चाल में चलता है। मैं भी देखूं तेरा घोड़ा बाबा, मैं भी देखूं लीला घोड़ा कैसी दौड़ लगाता, मैं भी देखूं लीला घोड़ा कैसी दौड़ लगाता।
है प्यारी, रोते हुए चेहरों पे लाता ये मुस्कान है प्यारी। अच्छा सोचिए, हम आप परेशान हो और नीले घोड़े की आवाज सुनाई दे जाए तो खुश हो जाएंगे ना कि हमारा बाबा आ गया मदद करने के लिए। तो यही तो बात बच्चे ने करी, जरा हाथ ऊपर करके है ना, रोते हुए चेहरों पे लाता ये मुस्कान है प्यारी, रोते हुए चेहरों पे लाता ये मुस्कान है प्यारी। एक बार करवा दे बाबा लीले की सवारी तेरे संग, घूम लूं मैं ये दुनिया, घूम लूं मैं तेरे संग, घूम लूं मैं ये दुनिया। बच्चे ने कहा, बाबा मेरी मां रोज समझाती है मुझे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बचपन याद करिए, पुराने दिन याद करिए, बचपन में मां कैसे समझाया करती थी हम लोगों को, जब हम कोई चीज ऐसी मांगते थे या कुछ कहते थे, मां बताओ ना कैसे हैं हम, वो कैसे हैं, तो मां क्या कहती थी, घबरा मत बेटा, ठाकुर तुम्हारी भी सुनेगा, एक दिन तुझको भी चार चांद लगाएगा मेरे लाल को, ऐसी कहती थी मां। उस बच्चे ने भी यही कहा कि मेरी मां मुझे ऐसे ही समझाती है, जब भी मैं कुछ मांगता हूं तो कह देती है, क्या कहती है, मां कहती है एक दिन तू तो मेरे घर आएगा, मां कहती है एक दिन तू तो मेरे घर आएगा। किसको किसको विश्वास है बाबा उनके घर आएगा, जरा हाथ ऊपर करके अपने बच्चों के लिए कह दो। माँ कहती है एक दिन तू तो लीले चढ़ आएगा, माँ कहती है एक दिन तू तो लीले चढ़ आएगा। रूठ गई जो खुशियां सारी हमको लौटाएगा, रूठ गई जो खुशियां सारी हमको लौटाएगा, रूठ गई जो खुशियां हमसे वापस लौटाएगा, रूठ गई जो खुशियां हमसे वापस लौटाएगा। जिनको भरोसा है बाबा उनकी खुशियां वापस उनकी झोली में डालेगा, से मैं देख रहा हूं, उस दिन से मैं देख रहा हूं बाबा राह तुम्हारी, उस दिन से मैं देख रहा हूं बाबा राह तुम्हारी। एक बार करवा दे बाबा लीले की सवारी तेरे संग, झूम लूं मैं ये दुनिया, घूम लूं मैं तेरे संग, झूम लूं मैं ये दुनिया, घूम लूं मैं। आजकल के बच्चे बड़े चालाक हैं, सच्ची बताओ। उस बच्चे ने कहा, मां बाबा एक बार आए आनंद नहीं आएगा, कुछ ऐसा काम बताना कि उसे बार बार आना पड़े। तो बच्चे ने कहा, बाबा को पसंद क्या है? मां ने कहा खीर चूरमा। तो बच्चे ने कहा, तू तो बड़ा अच्छा बनाती है और मेरे को भी अच्छा लगता है तेरे हाथ का खीर चूरमा। किसने किसने खाया मां के हाथ का खीर चूरमा? अपना गांव याद कर लो, अपनी मां को भी याद कर लेना, जिसने कूट कूट के चूरमा खिलाया देसी घी का, भले आप नहीं खिला सके उस मां को चूरमा, भले आपने यहां से पैसे भेज दिए होंगे मां के लिए, लेकिन मां ने कभी पैसे नहीं भेजे, मां ने हमेशा आंचल से लगा के रखा जब तक हम जिम्मेदार और लायक नहीं होंगे। अपनी अपनी मां को याद कर लेना और उस बच्चे को याद करना जो बच्चा कह रहा मां बाबा को खीर चूरमा पसंद है। तो सुन, माँ के हाथ का खीर चूरमा। अपने अपने मां के लिए तालियां बजा लो ना दोनों हाथ ऊपर करके। माँ के हाथ का खीर चूरमा जिस दिन तू खाएगा, माँ के हाथ का खीर चूरमा जिस दिन तू खाएगा। सच कहता है रोमी बाबा भूल नहीं पाएगा, हाथ ऊपर करके कह दो ललचादों से, अरे आना जाना लगा रहेगा होगी पक्की यारी, आना जाना लगा रहेगा होगी पक्की यारी। एक बार करवा दे बाबा लीले की सवारी तेरे संग,